राधा स्वामी प्रेमी भाई और बहनों, आपका अपना चैनल प्रसाद मेकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं अपना फर्स्ट रेसिपी प्रसाद की। आज हम लोग का फर्स्ट डे है प्रसाद के लिए, तो हम लोग फर्स्ट रेसिपी बनाएंगे। और प्रसाद बनाने से पहले मैं थोड़ा हाइजीन की बात कर लेती हूँ। तो प्रसाद बनाने से पहले आप अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश कर लें, और जिस जगह पर प्रसाद बना रहे हैं उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लें, सुरक्षित रखें, और अपने जिस बर्तन में प्रसाद बना रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन करके ही प्रसाद बनाएं। बेकिंग और कुकिंग के सबसे बड़ी टिप्स होती हैं कि जब भी हम लोग बेकिंग और कुकिंग करते हैं उसको बहुत ही हाइजीन तरीके से और अच्छे से करना पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हम लोग बात कर लिए हैं हाइजीन के बारे में। और चलिए हम लोग बनाते हैं अपना प्रसाद। तो चलिए, तो हम लोग आ गए हैं अपने प्रसाद की रेसिपी की तरफ, मतलब कि ये हमारी सामग्री है। और आज जो हम बनाने वाले हैं तो वो है केक की रेसिपी। जी हाँ, हम लोग आज केक के प्रसाद बनाएंगे जो बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी बन के रेडी हो जाएगी, और कुछ ही मिनटों में रेडी होती है ये। और बस इसकी तैयारी बस कुछ मिनट ही लगता है इसको तैयार करने में, बहुत जल्दी ही तैयारी हो जाती है, और बनाने में भी कुछ मिनट ही लगता है। बस इसकी बेकिंग के प्रोसीजर को हमको फॉलो करना होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं प्रसाद। इसे बैचलर भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई भी इसे बना सकता है। तो हम एक एक करके आपको प्रसाद के पहले दिखा देते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें, ठीक है। तो ये है आटा, होल व्हीट है ये, 190 ग्राम है, एक कप पूरा हम लोगों ने भर के लिया है, ठीक है। और ये है शुगर, 85 ग्राम, 85 ग्राम है, ये आधा कप लिया है हम लोगों ने। ये है सनफ्लावर ऑयल, जी हाँ ये सनफ्लावर ऑयल है। हम लोग जब भी बेकिंग में जब हम लोग केक बनाते हैं तो केक की रेसिपी में जिसमें ऑयल वो डाला जाता है जिसमें मतलब स्मेल ना हो, किसी तरीके का स्मेल नहीं आनी चाहिए, वो हम लोग ऑयल यूज करते हैं। तो ये हमें सनफ्लावर ऑयल लेना यहाँ पर पड़ता है जिसमें इसमें कोई भी किसी तरीके की स्मेल नहीं होती है। तो इसके जगह आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं बटर में। कि यहाँ पे हम लोग जो केक की रेसिपी बता रहे हैं उसकी हम लोग कोशिश करें कि उसकी जो अमाउंट हो 1 रुपीज़ के हम निकालें। तो अगर इसमें हम लोग बटर डालते हैं तो उसकी जो अमाउंट बढ़ जाती है, तो वो 1 रुपीज़ का नहीं बन पाएगी, इसलिए हम लोगों ने सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है। अगर आप लोग जनरल प्रसाद में इसे ले जा रहे हैं बनाकर तो आप वहाँ पे बटर डाल सकते हैं, ऑयल को बटर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें अमाउंट कम दिखाना है तो इसीलिए हमें 1 रुपीज़ में बटर कॉस्टली पड़ जाती है, सनफ्लावर ऑयल उससे थोड़ा सस्ता आता है। तो चलिए हम लोग आप इसको तैयार करते हैं। ये है हमारा बेकिंग पाउडर है, या जनता का मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको अमेजन वगैरह में कहीं भी आपको मिल जाएगा। और ये है बेकिंग सोडा, ठीक है, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, कहीं भी मिल सकता है, आसानी से मिल जाता है। और ये है हमारा नींबू का जूस, लेमन जूस है ये, ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे। तो चलिए हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया सामग्री, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रेमी भाई और बहनें, यहाँ पर मैंने एक लिया है, यह एक बड़ा सा बाउल जिसमें हम छानेंगे अपना ये आटा जो मैंने बताया था 190 ग्राम है। और बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जिसके पास ये कप रहेगा क्या वही बना सकते हैं। तो अगर आप बेकिंग और कुकिंग के शौक रखते हैं और प्रसाद में हमेशा आपको ज़रूरत पड़ता है तो इस तरीके का कप्स आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, अमेजन पे अवेलेबल होगा, प्लीज़ उसे आप ले लीजिए। क्योंकि इस तरीके के कप और रहना बहुत अच्छी बात होती है बेकिंग में। अगर इस तरीके के कप और वेकिंग मशीन आपके पास रहेगा तो आपकी रेसिपी कभी भी नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। तो अगर कप इस प्रकार का आपको मिलता है अमेजन पे बहुत आसानी से मिल जाता है तो ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। तो ये एक कप है, ये मेरा ये 1 कप है, 240 ml का है, ठीक है। और आपके पास बहुत ज़रूरी है, अगर कप ना हो तो आप क्या कीजिए, कोई एक घर का कप सेट कर लीजिए, उसको एक कप बना लीजिए, उसी का आधा कप बना लीजिए, सेट करके आप बना लीजिए। और अगर आपके पास वेगिंग मशीन है तो उससे भी अच्छा है कि आप उसको वजन से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने वजन से भी बताया है और कप से भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है आटा, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं भाई और बहनों ये हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो जब भी हम लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लेते हैं तो इस तरह के से फ्लैट करके ही ले, भर के ना ले,
बल्कि नहीं तो इसकी मेजरमेंट यही होती है, वरना ये बिगड़ सकता है, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह का भी स्पून आता है, बेकिंग ये टेबल स्पून, टी स्पून आता है, तो इस तरीके का अगर आप स्पून रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और आपकी बेकिंग और कुकिंग बहुत ही आसानी हो जाएगी। ख़ास करके बेकिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम लेंगे 1/8, ये 1/8 का है, ये 1/8 करके हम लेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है, ये 1/8 बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 TSP बेकिंग पाउडर और 1/8 TSP बेकिंग सोडा। अब इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। इसे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं छानिएगा तो आपका केक फ्लफी नहीं बन पाएगा, ठीक है, फ्लफी नहीं बन पाएगा। और केक फ्लफी ना बनने का एक और रीज़न भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा केक फ्लफी नहीं बन पाया, इसलिए कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना केक जो होता है वो बार बार खोल के देखते हैं, जिसमें हम लोग बनाते हैं। मैं ये जो बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखा रही हूँ, बहुत ही बेसिक, तो ये मैं केक जो बना रही हूँ ये कुकर में बना रही हूँ, ठीक है। तो कुकर के ढक्कन को बार बार खोल के ना देखें। आप OTG में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, आजकल केक हर जगह बन जाता है अच्छी तरीके से, तो उसे बार बार ओपन करके ना देखें। उससे क्या होगा कि उसमें बाहर की हवा जाएगी और वो क्या होगा, आपका केक फूलेगा, बट फिर क्या होगा, वो पचक जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग ने डाला है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, उसे एक बार ऐसे पूरा मिक्स कर लें, उसे मिक्स करके अच्छी तरीके से छान लें, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे छान लिया है और छान के इसे साइड में रख देते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दो बार भी इसे छानते हैं तो और अच्छी बात है, अब बस टाइम है तो आप दो बार भी इसे छान सकते हैं। ये मैंने बताया था सनफ्लावर ऑयल के बारे में, मैंने बता दिया था। उसे हम डालते हैं इसमें बाउल में, दूसरे बाउल में, ठीक है। ये 45 ग्राम का कप ये है ऑयल है और 1/4 कप है, ठीक है, 1/4 कप। इसमें हम डालते हैं अपना ये 85 ग्राम शुगर, जो आधा कप है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरीके से प्रसाद की रेसिपी को समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये है 1 कप 1/2 कप एंड 1/4 कप। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये है हेल्दी केक है, ये वोलबीट का हेल्दी केक है, इसलिए हम लोगों ने इसे 45 ग्राम ही ये लिया है, जो ऑयल है 45 ग्राम ही लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट ये हेल्दी केक बना रहे हैं तो हम लोगों ने थोड़ा क्वान्टिटी इसकी कम रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 teaspoon, यहाँ पे डाल रहे हैं हम 1 teaspoon वनीला एसेंस, ठीक है। ये वनीला एसेंस है, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, इसे ऐड कर दें इसमें, ठीक है, और इसे भी मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम मिल्क, ठीक है। तो ये मिल्क की जो मैंने क्वांटिटी ली है, मैंने ऐसे ही क्वांटिटी ली, क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि इसमें मिल्क कितना लगता है। मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप देखते हैं कि इसमें कितना मिल्क पड़ता है। ये मैंने 10 रुपीज़ का मैंने ये निकाला है इसकी अमाउंट, 10 रुपये की ये मिल्क है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी और मैं थोड़ा बचा के रखूँगी, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बाद में ही इसे डालूँगी, ठीक है। और आप जब भी बेकिंग का काम करते हैं, आप जिसमें बना रहे हैं, OTG में बना रहे हैं या कुकर में बना रहे हैं, तो आप अपना कुकर या OTG को प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही रख दीजिए। मैंने रख दिया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अपने टिन को रेडी कर लीजिए, जिस टिन में आप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे धीरे धीरे, जो ये आटा और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा रखे थे हम लोगों ने, इसे हम ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, इसे आप हल्का हल्का करके 3 बैच में ऐड करें, जिससे हमारे केक में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। तो देखिए, 1 बैच हो गया, ये दूसरा बैच मैंने ऐड किया है। धीरे धीरे करके ऐड कीजिए, ठीक है, इससे आपका केक
केक में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब मैं इसे मिक्स करके अच्छी तरीके से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसे इतना मिक्स किया है, देखिए अब मुझे इस दूध की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं ये पूरा का पूरा दूध इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसे हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। ये मैंने थोड़ा और दूध डाल दिया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरा मिल्क ऐड कर दिया है। सबकी आटा सबकी मैदे की जो है ना वो अलग अलग होती है, तो किसका कितना मिल्क सोख लेता है उसके मैदे और उसके आटे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ये बस इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं कीजिए और बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से ये होनी चाहिए, ये गिर रही है ना, इस तरह की होनी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम लास्ट जो इन्ग्रीडियंट्स है वो ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस। देखिए ये लेमन जूस यूज करेंगे इसमें हम 2 TSP, ये हुआ 1 TSP और ये हुआ 2 TSP। ठीक है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और आप बोलेंगे कि इसमें कोई खटास नहीं, कुछ नहीं आएगा। लेमन यूज करने के बाद आपका केक फ्लफी बनता है, तो इसमें कुछ खटास नहीं आएगा। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है, हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे रखा है मैंने एक टिन, मैंने इसे तैयार कर लिया है। टिन को हमेशा आप तैयार रखिए अपने बेकिंग के पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा कर मैंने इसे तैयार कर लिया था। ठीक है, ग्रीस कर लीजिए। हम लोग जब प्रोफेशनल काम करते हैं तो इसमें हम लोग बटर पेपर लगाते हैं। बस ये बहुत ही बेसिक केक का ये रेसिपी है, इसीलिए जो घर से बनाए इन्ग्रीडियंट्स है बस वही हम लोग जो घर में रखता है हमेशा सभी किचन में रहता है हम लोग वही दिखा रहे हैं। इस तरह से ग्रीस कर लीजिए लगा के इसे ऑयल थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा आटा को डस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा ये आटा से इसे डस्ट कर लेंगे। आटा मैदा कुछ भी हो आप इसे थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए। देखिए, और इस अपने टिन को इस तरह से रेडी कीजिए। ठीक है, आप याद रखिए अपने टिन और अपने कुकर को पहले ही हमेशा रेडी रखिए। ये मेरा रेडी था, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से किया है। ठीक है, और इसमें अब डालेंगे हम अपना बैटर। ये हम 1 रुपये के अमाउंट से बना रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रसाद है और 1 रुपये की अमाउंट जाएगी। अगर ड्राई फ्रूट डालते हैं तो ड्राई फ्रूट हमेशा मना ही जाता है प्रसाद के लिए, तो ड्राई फ्रूट डालते हैं तो इसकी अमाउंट हमेशा बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। इसकी 1 रुपये की अमाउंट बिल्कुल नहीं आएगी, तो हम लोगों ने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया है। तो आप लोग जनरल प्रसाद अगर बना के ले जाते हैं तो उसमें अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसे निकाल लें स्पैचुला से। ठीक है, ये हो चुका है। चलिए अब इसे हम जो बेकिंग करेंगे वो उसमें आपको दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग अब आ गए हैं प्रीहीट, वो मेरा कुकर हो चुका है। इसे हम थोड़ा टैप कर देंगे देखिए इस तरीके से, ताकि इसके बबल्स निकल जाए। अब इसे हम डाल रहे हैं, यहाँ देखो कुकर में, थोड़ा रोकना उसको। इसके अंदर देखिए हम लोगों ने एक स्टैंड रखा है, कोई इसमें हम लोग नहीं नमक वगैरह डाले हैं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड रख दिया है और इसमें अपना ये हम डाल देंगे, बस ये हो गया है। हाथ पसीने से डालिए, बहुत ही गर्म रहता है ये। अब इसको हम लीड लगा देंगे, तो हम लोगों ने लीड लगा के इसे बंद कर दिया है। अब इसे 30 से 35 मिनट बाद इसे चेक करेंगे, उससे पहले आप चेक ना करें। तो फ्रेंड्स, हमारा केक देखिए बन के रेडी हो चुका है। 35 मिनट्स लगा है, 35 से 40 मिनट्स। अभी इस हम स्टिक लिए हैं और इसमें डालेंगे सेंटर में, देखते हैं। देखिए इतना क्लीन निकला है, इसका मतलब कि ये
हो चुका है, अगर इसमें अगर लग के निकलता तो समझते कि ये नहीं होगा, नहीं हुआ है। देखिए हो चुका है, क्लीन निकला है। अब इसे हम रिमूव करेंगे कुकर से। देखिए तो हमारा केक बन के रेडी हो गया है, एकदम फ्लफी और एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए मैं दिखाती हूँ इसकी थिकनेस, देखिए इतनी थिकनेस इसकी हुई है और कितना सॉफ्ट बन गया है। गरम गरम कभी भी केक टिन से रिमूव नहीं कीजिए, वरना आपका केक टूट सकता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे मैंने गरम गरम वीडियो में दिखाने के लिए रिमूव किया है, तो थोड़ा सा क्रैक यहाँ साइड में कर गया है, क्रैक हुआ है थोड़ा सा, देखिए ठीक है। और साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो इसमें कॉस्ट लगी है मेरी, दिखा देती हूँ यहाँ पर। देखिए जब मैंने आपको सारे दिखाए थे इसमें, यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट भी दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। 190 ग्राम मेरा था, 8 रुपीज़ का वीट फ्लोर लगा है, शुगर 85 ग्राम लगा है मेरा, 4 रुपीज़ का सनफ्लावर ऑयल लगा है, 45 ग्राम, 10 रुपीज़ का मिल्क लगा है, 10 रुपीज़ का अदर्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, लेमन जूस और वनीला एसेंस को मैंने एक ही में मिक्स करके 3 रुपीज़ डाला है। हालांकि बहुत ही उसका कम अमाउंट था, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी, गैस का हम ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं उसकी, मतलब निकालने में बहुत दिक्कत आती है, तो गैस का मैंने मोटा मोटी 10 रुपीज़ पकड़ा है। पूरी कॉस्ट की गई 45 रुपीज़, और इसमें पीसेस भी करके हमको दिखाएंगे 45, 1 रुपीज़ का वन पढ़ना चाहिए, तो हम इसमें 45 रुपीज़ करके आपको इसमें पीसेस भी दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने आपको दिखा दिया है रेसिपी, कॉस्टिंग भी दिखा दी है आपको, अब दिखा रहे हैं आपको पैकेजिंग। इस तरह से हम लोगों ने इसे पैक किया है, देखिए ये बटर पेपर है, ठीक है। ये 45 पीसेस से 50 पीसेस तक निकल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने लेयर वाइज काट के देख लिया है, इसमें बहुत सारी क्वांटिटी निकल जाएगी जो 1 रुपीज़ तक इनफ रहेगी। देखिए साइज भी इसकी अच्छी खासी थिकनेस और अच्छी खासी साइज भी 1 रुपीज़ की आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ पैकेजिंग। तो देखिए इस तरह से आप डालिए, ये बटर पेपर है, आप इसे कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, और केक वगैरह के लिए पैकेजिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, जो एम्बलेप आता है उसमें भी डाल सकते हैं, इस तरह से इसे भी आप इसे पैक कर सकते हैं। इस तरीके से बटर पेपर में डालकर आप इसे ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ पर एक टेप मार दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी पैकेजिंग, थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं आप, जैसे हम लोगों ने ये किया है, तो इसकी पैकेजिंग हो जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई और बहनों, तो प्लीज़ इसे आप बड़े अच्छे तरीके से देखिए, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इसमें आपको रेसिपी भी दी गई है, कॉस्टिंग भी दी गई है, पैकेजिंग भी दी गई है, और आपको अमाउंट क्वांटिटी भी बता दी गई है। तो जितना सा हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आपको जितनी भी प्रसाद रेसिपी की चीज़ें अपलोड की जाएगी वीडियो, आपको मिलते रहे उसकी नोटिफिकेशन। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू प्रसाद रेसिपी के साथ। आई होप कि आप सबको मेरा ये प्रसाद की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो, तो बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए सारे भाई बहनों को, ताकि वो इसका भी वो लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।